अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? अच्छा जी, माय नेम इज़ मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला एंड आई विल बी टीचिंग यू F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, राइट? सबसे पहले कुछ अपने बारे में बता दूं कि मेरा अपना एक 16-17 साल का तजर्बा भी है, और मैं मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, हर लेवल की, बेसिक लेवल की भी है, इंटरमीडिएट लेवल की भी, और एडवांस लेवल, इवन PhD लेवल. एक पेपर होता है ICAW का, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, जो लास्ट उसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर होता है, वो भी मैं टीच करता हूँ, राइट? और सेकंड मेरा जो पेपर है वो टैक्सेशन है, UK टैक्स मैं टीच करता हूँ, राइट? ओके, प्लस साथ में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी करता हूँ, वो भी साथ साथ चलती रहती हैं, और साथ साथ वी लॉगिंग भी करता हूँ, कुछ डेवलपमेंट वीडियोज भी बनाता हूँ. शायद जो लोग आप लोग फेसबुक पे ऑलरेडी मेरे साथ हो गए तो वो लोग तो जानते होंगे, तो मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, तो बच्चों के साथ अवेयरनेस चलती रहती है, ठीक है? नाउ, अब आज की क्लास का मकसद ये है कि हम इस पेपर को जानें कि इस पेपर में क्या होगा, इसका पेपर पैटर्न डिस्कस करें, कोर्स आउटलाइन डिस्कस करें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ा बहुत पहले बेसिक्स आती भी है, कुछ ऐसे हैं जिनकी बेसिक्स थोड़ी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है. देखें, ये जो ACCA Part 1 है ना, ACCA Part 1 में जो बच्चे आ रहे होते हैं ना, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं. ACCA Part 1 में जो स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं. मैं एक चीज आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ देखें. ठीक है, ये देखें, ये जो ACCA का FIA है ना, फाउंडेशन एंड अकाउंट, ACCA जब आप एंटर होते हो तो फर्स्ट लेवल जो उसका होता है, जो पहला लेवल होता है, फर्स्ट राउंड, दैट इज FIA, फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी, ठीक है? अब यहां देखें, इस FIA लेवल के लिए बेटा ये टोटल 7 पेपर्स होते हैं. अब जरा गौर से सुनना, लेकिन जो बच्चा ए लेवल्स करके आ रहा होता है, जो बच्चा ए लेवल्स करके आ रहा होता है, उसके लिए ये पहले 4 पेपर एग्जेम्प्ट होते हैं. ये पहले 4 पेपर उसके लिए क्या होते हैं? एग्जेम्प्ट होते हैं, और उस एग्जेम्पशन की उसको फीस भी नहीं देनी, एग्जेम्प्ट है, फुल टाइम एग्जेम्प्ट है, सही है? वो बच्चा डायरेक्ट F1 F2 F3 से स्टार्ट करता है अपना जर्नी, ठीक है जी? ओके, ये ए लेवल्स के बाद ये 4 पेपर इसलिए एग्जाम्ड होते हैं क्योंकि ए लेवल्स की बच्चे की बेसिक स्ट्रांग होती है. लेकिन हाँ, अगर एक बच्चे ने ए लेवल्स अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई, बात को गौर से सुने, अगर किसी बच्चे ने ए लेवल्स अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, बेशक वो ए लेवल्स का स्टूडेंट है, ए लेवल्स साइंस का स्टूडेंट है फॉर एग्जाम्पल, तो भी उसको ये एग्जेम्पशन मिलेगी, लेकिन उसकी फिर अकाउंटिंग की बेसिक स्ट्रांग नहीं होगी, फिर वो राइट नाउ इस क्लास से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेगा, वो पहले बेसिक्स पढ़ेगा, ठीक है? तो ये जो ग्रुप हम पढ़ने का स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें ए लेवल्स अकाउंट्स वाला बच्चा तो वेलकम है, मोस्ट वेलकम, उसके लिए कोई मसला नहीं. लेकिन जो ए लेवल साइंस वाला बच्चा है, ए लेवल साइंस बैकग्राउंड का अगर कोई बच्चा है ना, तो उस बच्चे को क्लास के बाद हमसे कांटेक्ट करना होगा, और उसको हम पहले बेसिक्स कराएंगे, तो बेसिक उसकी स्ट्रांग हो जाएगी, तो फिर वो आराम से इसमें मर्ज हो सकता है, राइट? ओके, पक्का है? तो अब जिस ग्रुप में आप लोग स्टडी कर रहे हैं, उसमें जो फर्स्ट टाइप का, जो पहला टाइप का बच्चा जो आता है, वो बच्चा कौन आएगा? वो बच्चा आएगा ए लेवल्स करके आया हुआ है, वो बैठा हुआ है, ठीक है? सेकंड स्टूडेंट वो आया हुआ है जिसने ये 4ों पेपर क्लियर करे हुए, नहीं, या पढ़े हुए हैं, 4ों पेपर पढ़े हुए या क्लियर करे हुए, जो इंटरमीडिएट वाला बच्चा था जिसने ये 4 पेपर करके अब वो F1 F2 F3 में आया है. तो कुछ बच्चे ऐसे भी इस क्लास में बैठे हैं, गौर से सुने, जो FIA बैकग्राउंड से आए हैं, जो FIA बैकग्राउंड से है, और उन्होंने ये 4 पेपर पढ़े हैं या 4 पेपर क्लियर किए हैं, इस रूट से आ रहे हैं, तो वो भी इस क्लास के लिए एलिजिबल है. तो इस क्लास के लिए मेजर जो चंक आ रहा है, इस क्लास में जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनकी सोर्सेज 2 हैं. एक, नंबर 1, ए लेवल्स वाला स्टूडेंट बैठा हुआ है, नंबर 1 ए लेवल्स वाला स्टूडेंट बैठा हुआ है, और नंबर 2 कौन बैठा हुआ है? नंबर 2 बैठा हुआ है इसमें, सेकेंड कौन बैठा हुआ है? FIA वाला स्टूडेंट बैठा हुआ है जिसने FA1 से लेके MA2 ये पहले 4 पेपर पढ़े हुए हैं, और अब वो आगे जाएगा, ठीक है? तो जब मैं कोर्स आउटलाइन डिस्कस कर रहा हूंगा, तो मैं इस चीज को भी आपके सामने रखूंगा, मैं इस चीज को भी आपके सामने रखूंगा, ओके, राइट? अच्छा, एक और मेरी रिक्वेस्ट है,
इस क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मेरी बात को गौर से, बिल्कुल गौर से सुने प्लीज, ये बहुत अहम बात है। इस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने हमारा एक काउंसलिंग सेशन पहले अटेंड किया हुआ है, एडमिन से काउंसलिंग कराई हुई है या मुझसे काउंसलिंग सेशन अटेंड किया हुआ है, जिसमें मैं पूरा साबित करता हूँ कि ACCA एज कम्पेयर टू अदर क्वालिफिकेशन जैसे BBA वगैरह है, तो उसमें ACCA कितना टाइम सेविंग है, और ACCA इज ए स्मार्ट क्वालिफिकेशन। ACCA के साथ मैं एक वर्ड हमेशा यूज करता हूँ, ACCA इज ए स्मार्ट रूट। अच्छा, स्मार्ट का वर्ड क्यों यूज करता हूँ, देखें, एक होता है हार्ड वर्कर, एक होता है हार्ड वर्कर और एक होता है स्मार्ट वर्कर, एक होता है हार्ड वर्कर और एक होता है स्मार्ट वर्कर, एक होता है स्मार्ट वर्कर। ओके, हार्ड वर्कर बहुत मेहनती होता है, लेकिन स्मार्ट वर्कर कम समय में, कम रिसोर्सेज में, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट क्रिएट कर देता है। सही है, तो ACCA स्मार्ट क्वालिफिकेशन इसलिए, इट्स टाइम सेविंग, ये टाइम सेविंग भी है, फ्लेक्सिबल भी है, सारी चीजें इसमें है। सही है, तो इसकी भी एक हमने पूरी क्लास बनाई हुई है, तो मैं आप सबको बोलूंगा जिन्होंने वो क्लास, काफी कुछ लोगों ने तो वो अटेंड की भी है, कुछ लोगों ने तो वो क्लास अटेंड की भी है, अगर किसी ने अटेंड नहीं की तो क्लास के बाद मुझसे, मैं अपना नंबर भी लिखूंगा इंशाल्लाह आपको, और मैं खुद आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हूँ, क्लास के बाद मुझसे या किसी से भी, यानी एडमिन वालों से भी, वो आप उस क्लास का लिंक भी ले लें, वो भी देख लें, ताकि उससे, उसके अंदर मैंने पूरा फॉरेन यूनिवर्सिटीज का रूट भी बताया हुआ है कि ACCA करने के बाद आप किस तरह विद इन 2 और 3 ईयर्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी ट्रांसफर हो सकते हैं, और जिससे बहुत कॉस्ट सेविंग होती है, क्योंकि सीधी सी बात है, 1 साल यूके की यूनिवर्सिटी में, यूके की मिसाल दे रहा हूँ, आप यूके में 1 साल अगर पढ़ते हैं ना, तो अराउंड कम से कम 10 से 11 हज़ार पाउंड का खर्चा है। 1 साल अगर आप यूके में फिजिकली जाके पढ़ते हैं, तो कम अज कम 10 से 11 हज़ार पाउंड का खर्चा है, और 10 to 11,000 pounds मीन्स अभी आज के दौर के 23-24 लाख रुपए हैं। सही है, लेकिन वही चीज आप यहाँ ACCA में बहुत कम अमाउंट में पढ़ सकते हैं, हार्डली 1 लाख रुपीज खर्चा होगा और वो आपका वहां का 1 साल एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यहाँ 6 महीने पढ़ोगे तो वहां उस यूनिवर्सिटी का, यूके की करीब सारी यूनिवर्सिटीज का 1 साल एग्जेम्प्ट होगा यहाँ 6 महीने पढ़ने से। तो कॉस्ट भी सेविंग होती है, टाइम भी सेविंग होती है, ऐसे बहुत सारे रूट्स हैं, तो वो सारे मैंने उस क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, बहरहाल आज की क्लास का मकसद ये है, मैं कोर्स आउटलाइन डिस्कस करता हूँ ताकि मैं आपके सामने जरा कोर्स डिस्कस करूँ, आपको पता लगे अंदर क्या चीज है। ठीक है, राइट, तो मैं लिख रहा हूँ, आप लोग आराम से कॉपी करेंगे और फिर हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं, आज हम पढ़ नहीं रहे, आज हम कोर्स आउटलाइन डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अच्छा, ये जो 3 पेपर है ना, F1, F2, F3, F1 जो है ना, ये थ्योरी का पेपर है, ये थ्योरी का पेपर है, ये मिक्स प्लेट पेपर है थ्योरी का, यानी यूं समझ लें, इट्स लाइक बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इसमें आपका ऑडिट भी है, इसमें आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी है, इसमें एथिक्स भी है, ये सारी चीजें इसमें, इसका मिक्सचर है, थ्योरी थ्योरी का पेपर है, थियोरेटिकल। F2 इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और F3 इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, ओके जी,
साथ साथ लिख रहे हैं बेटा, आप लोग भी नोट डाउन कर लें ताकि आप लोग के पास ये प्रॉपर आ जाए। इन्वेंटोरी वैल्यूएशन के नीचे लिखा हुआ है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। बेटा ये लिखे, मैं और भी नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा, पहले ये कॉपी कर लो। कॉपी करते ही मुझे चैट बॉक्स में बताना। अच्छा, कम्युनिकेट करते रहें, कम्युनिकेट करते रहना मुझसे। ओके, मेजोरिटी ने कॉपी कर लिया, बस मैं फिर आगे लिखने जा रहा हूँ। चले, मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूँ।
लिख लीजिए बेटा प्लीज। चलो लिख लिया। चले देखें, मैंने जानबूझ के दो कलर का पेन यूज किया है, पागल नहीं हूं, जानबूझ के दो कलर का पेन यूज किया है ताकि एक मैसेज देना है। मैंने भी आपसे कहा कि इस क्लास में जो मेजर चंक आता है ना, जो हमारे F1 F2 F3 के ग्रुप में, वो दो तरह के बच्चे होते हैं, एक ए लेवल्स बैकग्राउंड वाला बच्चा होता है और एक FIA बैकग्राउंड वाला बच्चा होता है। सही है, बात को गौर से सुनना, ठीक है जी। अब ये कंप्लीट F3 के कोर्स में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज है इंट्रो प्लस बेसिक्स। मैंने लिखा इंट्रो प्लस बेसिक्स, आप में से सब ने, ये सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, सबने अपनी लाइफ में बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है। इंट्रोडक्शन में टीचर अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताता है, थोड़ी देर बाद आपको वो पांच डेफिनेशन बताता है, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होते हैं, कैपिटल क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, रेवेन्यू क्या होता है। सही है, ये पूरा अल्सर ALCER वो पूरा आपको टीचर पढ़ाता है। उसके बाद टीचर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन लिखवाता है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, राइट राइट। फिर अकाउंटिंग इक्वेशन से टीचर थोड़ी देर तक खेलता है, फिर इफेक्ट्स पढ़ाता है, फिर डबल एंट्रीज पढ़ाता है, फिर लेजर्स पढ़ाता है, प्लीज सुने, फिर टीचर आपको ट्रायल बैलेंस कराता है, फिर बेसिक इनकम स्टेटमेंट जो फ्रैंकफर्ट में कराई जाती थी, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ये बेसिक्स आपको सारा। तो ये पूरा बेसिक सफर मैंने अंदर लिख दिया, इंट्रो प्लस बेसिक्स, ओके। देन उसके बाद एक एरिया पढ़ाया जाता है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। आप लोगों को याद होगा, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री वो बुक्स है जहां ट्रांजेक्शन सबसे पहली बार आके रिकॉर्ड होती है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री वो बुक्स हैं जहां जहां ट्रांजेक्शन सबसे पहली बार आके रिकॉर्ड होती है, जहां ट्रांजेक्शन सबसे पहली बार आके रिकॉर्ड होती है, ओके। नाउ जैसे जिस बुक में क्रेडिट सेल सबसे पहले आके रिकॉर्ड होती है वो सेल्स डे बुक, जहां सेल्स रिटर्न सबसे पहली बार आके रिकॉर्ड होती है वो सेल्स रिटर्न डे बुक, जहां क्रेडिट परचेजेस सबसे पहले बार आके रिकॉर्ड होती है वो परचेजेस डे बुक, जहां क्रेडिट परचेज रिटर्न सबसे पहले आके रिकॉर्ड होती है वो परचेज रिटर्न डे बुक। इसके अलावा बैंक और कैश की जो भी ट्रांजेक्शन है वो सब कैश बुक में रिकॉर्ड होती है, याद है डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव, वो सब चीजें कैश बुक में रिकॉर्ड होती है। फिर इसके अलावा एक और बुक भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, पेटी कैश बुक, जिसमें माइन्यूट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, ओके। तो ये वाला टॉपिक भी आप लोगों के साथ इसके इसके बाद वाला टॉपिक है। देन फिर एक टॉपिक है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स देखो, आप सबको पता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक क्या होता है भाई, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो इनकम पे चार्ज होता है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो इनकम पे चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरी इनकम होगी एम्प्लॉयमेंट इनकम, इस एम्प्लॉयमेंट इनकम पे जो टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है। मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ, तिजारत कर रहा हूँ, तो मेरी इनकम होगी बिजनेस इनकम यानी ट्रेडिंग इनकम, तो इस बिजनेस इनकम और ट्रेडिंग इनकम पे जो टैक्स है वो भी डायरेक्ट टैक्स है। अगर मैंने अपने पैसे बैंक में रखवाए हुए हैं फिक्स डिपॉजिट में, तो वहां से मेरे पास इंटरेस्ट आ रहा होगा, वहां से मेरे पास इंटरेस्ट इनकम आ रही होगी, तो इंटरेस्ट इनकम पे भी जो मैं टैक्स पे करूंगा वो डायरेक्ट टैक्स होगा। मैंने अगर किसी लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहां से डिविडेंड्स आ रहे होंगे, उस डिविडेंड इनकम पे भी जो मैं टैक्स पे करूंगा वो डायरेक्ट टैक्स है। तो आसान लफ्जों में हर वो टैक्स जो इनकम पे चार्ज हो, आसान लफ्जों में हर वो टैक्स जो इनकम पे चार्ज हो वो डायरेक्ट टैक्स है। सही है, और जो कमा रहा है उसी को बर्न बेयर करना है। इनडायरेक्ट टैक्स सेकेंड टैक्स कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्स। मैं भी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कि कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कि कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। हाँ, और इनडायरेक्ट टैक्स का सामने देखें, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन वही बेयर करता है वन हु कंज्यूम, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन वही बेयर करता है वन हु कंज्यूम, जो कंज्यूम कर रहा होता है। जैसे पेप्सी जो पिएगा, पेप्सी के ऊपर होता है ना जीएसटी हमारे यहाँ, तो जो पेप्सी पिएगा उसे जीएसटी बेयर करना है, ठीक है। जो रेस्टोरेंट में जाएगा, पिज्जा हट जाके पिज्जा खाएगा, तो उसको जीएसटी बेयर करना है। अच्छा, मैंने क्या बोला, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, तो सिर्फ गुड्स पे नहीं सर्विसेज पे भी है। तो सर्विसेज में बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे आप के इलेक्ट्रिक से सर्विस ले रहे हो तो उसके बिल में भी लग के आ रहा होता है टैक्स। हाँ, इसी तरह सामने देखें, आप लोग कई बार, कुछ लोग जाते हैं होटल का रूम बुक कराते हैं तो उसकी उसकी इनवॉइस के अंदर भी जीएसटी लगा हुआ आ रहा होता है, ठीक है।
कुछ लोग टूरिज्म वाली सर्विसेज, इंटरटेनमेंट सर्विसेज ले रहे होते हैं तो उस सर्विसेज के अंदर भी जीएसटी आ रहा होता है, कुछ लोग ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं तो उसमें भी जीएसटी आ रहा होता है, वो एयरलाइन से सर्विस ले रहे होते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये गुड्स एंड सर्विसेज पे होता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे होता है, और इसका बर्डन वही बेयर करता है वन हो कंज्यूम। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू एडेड टैक्स की सारी अकाउंटिंग और ये सब चीजें। अब जरा सुने, ये वैल्यू एडेड टैक्स एफआईए वालों ने किया हुआ है, एफआईए वालों को इसकी नॉलेज है, लेकिन ए लेवल्स वालों को बिल्कुल भी नहीं आता, ए लेवल्स वालों को नहीं आता, ए लेवल्स वालों को ये टॉपिक सिफर से पढ़ना है। ठीक है, अच्छा एग्जाम में सब आते हैं, हर चीज एग्जाम में आती है, तो ए लेवल्स वालों को इसका इतना बैकग्राउंड नहीं है, उनको लाजमी पढ़ना है। एफआईए वालों को ये बहुत हद तक आता है। नाउ बैंक रिकंसिलेशन, बैंक रिकंसिलेशन जितनी भी ऑडियंस बैठी हुई है सबने बैंक रिकंसिलेशन के बारे में पढ़ा हुआ है और सुना हुआ है, जितनी भी ऑडियंस बैठी हुई है सबने बैंक रिकंसिलेशन के बारे में पढ़ा हुआ भी है और सुना हुआ भी है, सबने बैंक रिकंसिलेशन के बारे में पढ़ा हुआ भी है और सुना हुआ भी है। सही है, आप लोगों को याद होगा कि पैसा आप दो जगह रखते हैं, एक तो अपने ड्रॉ में रखते हैं, एक तो अपने टिल में रखते हैं। तो जो पैसा आप अपने ड्रॉ में रखते हो उसकी तो हिफाजत खुद ही करते हो, उसको तो आप खुद ही चेक एंड बैलेंस, इंटरनल कंट्रोल सब खुद ही अप्लाई करोगे, अपने पास पड़ा है ना। एक वो पैसा है जो आप बैंक में रखवाते हो, तो वो पैसा जो आपने बैंक में रखवाया हुआ है वो आप अपने पास रिकॉर्ड करते हो अपनी कैश बुक में। जो पैसे आपने बैंक में अपने बैंक अकाउंट में रखवाए हुए हैं वो आप अपने पास रिकॉर्ड करते हो इन योर कैश बुक। सही है, और बैंक वाले भी उस पैसे को मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, याद करो, तो पीरियड के एंड पर बैंक वाले आपको बैंक स्टेटमेंट भेजते हैं, जिसमें सब लिखा होता है कि इस पीरियड में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है, इंक्लूडिंग क्लोजिंग बैलेंस। तो अब वो क्लोजिंग बैलेंस जो बैंक वाले भेज रहे हैं और वो क्लोजिंग बैलेंस जो आपके हिसाब किताब के हिसाब से कैश बुक का है, वो उसूलन सेम होना चाहिए। जैसे हमारी कैश बुक में नजर आ रहा है, हमारी कैश बुक बोल रही है कि बैंक में एक करोड़ रुपए पड़े हैं, लेकिन अगर जो बैंक स्टेटमेंट आ रही है उसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ बैंक में 80 लाख पड़े हैं, तो हमारी तो नींद उड़ जाएगी ना, हमारी तो नींद ही एकदम उड़ जाएगी। हम बोलेंगे यार ये क्या हुआ, कैश बुक बोल रही है कि 1 करोड़ रुपए अपने पास पड़े हैं हमारे बैंक अकाउंट में, और जो बैंक स्टेटमेंट आई वो 80 लाख रुपए दिखा रही है, 80 लाख, तो एकदम घबरा जाएंगे हम। तो अब हमें रिकंसिलेशन परफॉर्म करनी होगी, अब हमें इसके बीच में रिकंसिलेशन परफॉर्म करनी होगी। यहां पर एक और सवाल भी आता है कि सर ऐसा क्यों होता है कि हमारी कैश बुक का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस डिफरेंस होता है, डिफर कर जाता है, ऐसा क्यों होता है कि हमारी कैश बुक का और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस डिफर हो जाता है, कैश बुक का और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या हो जाता है, डिफर हो जाता है। उसकी वजह ये होती है, सुनना गौर से, कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई होती हैं लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं होती, और सेकंड हेड ये होता है कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो बैंक वालों ने रिकॉर्ड कर ली होती है लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की होती, तो इस वजह से ये डिफरेंस आ रहा होता है। ओके, मैं भी पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ याद दहानी करा रहा हूँ, सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को जरा सा रिफ्रेश हो, पढ़ नहीं रहे भी हम प्लीज। अच्छा, बैंक रिकंसिलेशन, अगर कोई बहुत ही लेमैन बंदा मुझसे पूछे ना कि सर बैंक रिकंसिलेशन क्यों परफॉर्म की जाती है, तो मैं आसान लफ्जों में उसे बोल दूंगा कि बैंक रिकंसिलेशन इज एन इंटरनल कंट्रोल, ये एक इंटरनल कंट्रोल है जो कि फ्रॉड, एरर और रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए अप्लाई किया जाता है, ओके राइट। नाउ उसके बाद एक बहुत जबरदस्त एरिया है, लगती है उसमें सात क्लासेस आराम से लगती है सबको, एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट। देखो इधर, देखो मेरी तरफ देखो, और इसमें प्रॉफिट रिकंसिलेशन भी पढ़ाई जाती है। ये बड़ा एरिया है, एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट। यहां देखें, इसमें सबसे पहले तो टीचर आप लोगों को 6 एरर्स पढ़ाते हैं, एरर्स नॉट इफेक्टिंग द बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल और कॉम्पनसेटिंग एरर। 6 एरर्स आपको टीचर सबसे पहले पढ़ाएंगे,
ये वो एरर्स होते हैं कि जिनके होने के बावजूद आपका ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंस होता है। ये वो एरर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों के, जिनके होने के बावजूद आपका ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंस होता है, सही है राइट। ये 6 एरर्स। उसके बाद सामने देखें, फिर आपको सस्पेंस अकाउंट टीचर लॉन्च करता है कि सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। अच्छा चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ, जरा मेरे साथ कम्युनिकेट करो, बताएं सब इधर चैट बॉक्स में जवाब दें। सस्पेंस अकाउंट दुनिया में कब आता है बताओ? सस्पेंस अकाउंट की पैदाइश कब होती है बताओ, जवाब दो। सस्पेंस अकाउंट दुनिया में कब आता है? रिप्लाई इन योर चैट बॉक्स प्लीज। वेरी गुड। जब सस्पेंस अकाउंट दुनिया में तब आता है जब टीबी आउट होता है। वेरी गुड वेरी गुड। सीधा सीधा सीधा, सस्पेंस अकाउंट दुनिया में तब आता है जब टीबी आउट होता है, जब टीबी की दोनों साइड सेम नहीं होती, जब टीबी की दोनों साइड सेम नहीं होती तब सस्पेंस अकाउंट की पैदाइश हो जाती है, तब सस्पेंस अकाउंट दुनिया में आ जाता है, सही है। तो ये आपके साथ सस्पेंस अकाउंट भी डिटेल में डिस्कशन होगी, और इसका एक बेसिक लेवल होता है और एक इसका एडवांस लेवल होता है, तो हम यहाँ एडवांस लेवल भी इसका डिस्कस करेंगे, जो F3 में वो टच करता है, सही है। फिर साथ आपको एक और टॉपिक भी कराया जाएगा, प्रॉफिट रिकंसिलेशन का। देखें आप सबने बेसिक इनकम स्टेटमेंट तो पढ़ी भी होगी, और हम अपने इस पूरे जर्नी में, पूरा जर्नी है बड़ा, इस जर्नी में इनकम स्टेटमेंट भी बीच में बहुत बार डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा एक ऐसे सवाल भी आते हैं कि अकाउंटेंट ने इनकम स्टेटमेंट ही गलत बनाई हुई है। तो जब अकाउंटेंट ने इनकम स्टेटमेंट गलत बनाई हुई है तो उसका प्रॉफिट गलत आ रहा होगा, जब अकाउंटेंट ने इनकम स्टेटमेंट ही गलत बनाई हुई है तो उसका प्रॉफिट गलत आ रहा होगा। तो अब आपको गलत प्रॉफिट से सफर शुरू करना होगा, आपको गलत प्रॉफिट से सफर शुरू करके सही प्रॉफिट पे जाना होगा, अनएडजस्टेड प्रॉफिट से एडजस्टेड यानी करेक्टेड प्रॉफिट तक जाना होगा, अनएडजस्टेड प्रॉफिट से एडजस्टेड प्रॉफिट तक जाना होगा। हाँ सही। अब वो सब 20 में, देन फिर एक एरिया है जिसका नाम है कंट्रोल अकाउंट्स एंड रिकंसिलिएशन, कंट्रोल अकाउंट्स एंड रिकंसिलिएशन, ठीक है। इसमें आपको कंट्रोल अकाउंट की बेसिक सिखाई जाएगी कि डेटर्स कंट्रोल अकाउंट कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट में क्या क्या आता है, सब बताया जाएगा। फिर इस टॉपिक का, कंट्रोल अकाउंट का जो दिल है ना, वो पूरा रिकंसिलिएशन है। तो आपको वो रिकंसिलिएशन, मैं सिर्फ अभी इशारे दे रहा हूँ, तफसीलात में नहीं जा रहा, रिकंसिलिएशन पूरी समझाई जाएगी कि कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस और जो लिस्ट लिस्ट ऑफ डेटर या लिस्ट ऑफ क्रेडिटर का बैलेंस है मैच नहीं होता, क्यों मैच नहीं होता, क्या वजूहत होती है, वो पूरा उसकी रिकंसिलेशन, आपको बहुत सारे सवाल भी कराए जाएंगे, ठीक है। ओके, FIA वालों ने भी ये पढ़ा हुआ है और A-levels वालों ने भी पढ़ा हुआ है, ये FIA वालों ने भी कुछ हद तक पढ़ा हुआ है, A-levels वालों ने। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अभी जो मैं ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूँ ना, मेरा अपना एक बहुत सालों का तजर्बा है, कई सालों का तजर्बा ही है कि A-levels वाले बेसिक अकाउंटिंग भूल चुके होते हैं, ये याद रखना, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। A-levels वाले इन छोटे टॉपिक्स में कच्चे होते हैं, बैंक रिकंसिलेशन में, वैल्यू एडेड टैक्स उनको आता ही नहीं है, कंट्रोल, सस्पेंस, ये मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, वो लाजमी ये टॉपिक मुझसे स्पेशली आके वो लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा बेसिक, ए लेवल्स वालों ने अभी जो A2 में, A2 के कोर्स में बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स वगैरह बहुत पढ़ी हैं, लेकिन उनकी बेसिक्स उन्होंने ओ लेवल्स में पढ़ी थी। तो अक्सर बच्चे बेसिक्स भूल जाते हैं, और बेसिक बहुत बड़ा रोल है इधर, ये मैं उसको बेसिक बोल रहा हूँ लेकिन ये आता बहुत टेढ़ा टेक्निकल होके है, सही है। देन अगला टॉपिक है डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर IAS 16 भी अप्लाई हो रहा होता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, सही। इसमें आपको टीचर पढ़ाएंगे कि डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन की नीड क्या है, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या है, डेप्रिसिएशन किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है, ये सब बताया जाएगा। इसमें ये भी बताया जाएगा, सुने सब ऑडियंस, सबको पता ही है, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। चलो मुझे जवाब दो यहाँ लिख के, व्हाई डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, व्हाई डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, चैट बॉक्स में जवाब दो। चलो वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड 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 गुड। बेटा उसकी वजह ये है कि समझ लो, जिस रूम में अभी मैं बैठा हुआ एक एसी लगा हुआ है, जिस रूम में मैं अभी बैठा हूँ उसमें एक एसी लगा हुआ है जो कि मैंने 3 साल पहले खरीदा था, जिस रूम में मैं बैठा हूँ उसमें एक एसी लगा हुआ है जो मैंने 3 साल पहले खरीदा था। तो जब 3 साल पहले एसी खरीदा होगा तो जेब से आउटफ्लो तो 3 साल पहले ही हो गया होगा ना, 3 साल पहले एसी खरीदा होगा तो जेब से आउटफ्लो तो 3 साल पहले ही हो गया होगा ना भाई,
हाँ, और आज 3 साल हो गए और अभी भी यूज कर रहा हूँ, यूएसई यूज, इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आज भी उसकी डेप्रिसिएशन बुक हो रही होगी। तो मालूम हुआ जब हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करते हैं तो जेब से कोई आउटफ्लो नहीं होता, जब हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करते हैं तो जेब से कोई आउटफ्लो नहीं होता, दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। सही है, तो डेप्रिसिएशन के बारे में आप लोगों को पहले पढ़ाया जाएगा, फिर डेप्रिसिएशन के मेथड्स के बारे में बताया जाएगा। दो मेजर मेथड्स आपको सिखाए जाएंगे, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस। फिर स्ट्रेट लाइन मेथड लाइफ से भी सिखाया जाएगा, परसेंटेज से भी सिखाया जाएगा, राइट? ओके, फिर ये भी बताया जाएगा कि कब स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होगा, कब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज होगा, ये सब बातें। फिर पॉलिसीज फॉर डेप्रिसिएशन आपके साथ डिस्कस की जाएंगी, फुल इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नन इन द ईयर ऑफ सेल, एक पॉलिसी। दूसरी प्रोपोर्शनेट बेसिस, जिसको मंथली बेसिस भी बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट बेसिस जिसको मंथली बेसिस भी बोलते हैं, ये सारी चीजें माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएंगी, ये सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएंगी। ओके, देन उसके बाद फिर आप लोगों को ये बताया जाएगा, डिस्पोजल का टॉपिक पढ़ाया जाएगा, डिस्पोजल में गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ना सिर्फ हम पढ़ाएंगे बल्कि उसकी लॉजिक भी देंगे कि गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल क्यों अराइज होता है। बल्कि मैंने अपने लास्ट ईयर इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी कि गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल की लॉजिक क्या है, ये सब मैंने फेसबुक पे भी डाली थी, यूट्यूब मेरे चैनल पे हर जगह मौजूद है कि व्हाट इज द लॉजिक ऑफ गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, क्यों। कितने बच्चे ऐसे हैं, एक बड़ी तादाद बच्चों की ऐसी है कि व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम देम दैट व्हाट इज गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, दे सिंपली रिप्लाई यू कि अगर एनबीवी से महंगा बिक गया तो गेन हो गया, और फाइनल एनबीवी से सस्ता बिक गया तो लॉस। बच्चों का एक जवाब यही होता है कि अगर एनबीवी से महंगा बिका तो गेन और एनबीवी से सस्ता बिका तो लॉस। बेटा ये तो इसकी कैलकुलेशन है, व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द लॉजिक, रेशनल क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है, क्या दलील क्या है कि गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल क्यों अराइज होता है। इस पे भी बाकायदा हम लोगों आपको डिस्कस करेंगे और वीडियोस भी बनी हुई है, राइट? ओके, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल के ऊपर। फिर इसी के अंदर एक एरिया आपको पढ़ाया जाएगा, चेंजेस इन यूजफुल लाइफ, चेंजेस इन यूजफुल लाइफ। कई बार एसेट की लाइफ भी एस्टिमेट होती है, कई बार एसेट की लाइफ भी री एस्टिमेट होती है और लाइफ चेंज होती है। मैं बच्चों को एक बहुत बच्चों वाली एग्जाम्पल, बेबी एग्जाम्पल देता हूँ, सुनो, आप लोग सुन लें सीखेंगे। देखें, मैंने आज दो स्प्लिट यूनिट खरीदे नए, दो स्प्लिट यूनिट खरीदे नए एक ही कंपनी के, एक मैंने लगाया बेडरूम में और एक मैंने लगाया ड्राइंग रूम में, एक लगाया बेडरूम में और एक लगाया ड्राइंग रूम में, ठीक है। अब मुझे दोनों की लाइफ डिटरमिन करनी है, दोनों की, क्या दोनों की लाइफ सेम होगी, जरा बताएं, जो बेडरूम में एसी लगाया और जो ड्राइंग रूम में एसी लगाया, क्या उनकी लाइफ सेम होगी डेप्रिसिएशन के लिए। नो, वेरी गुड जवाब, नो नो नो, सही है। क्यों भाई, बेडरूम के एसी का यूसेज पैटर्न अलग है, ड्राइंग रूम के एसी का यूसेज पैटर्न अलग है, दोनों का यूसेज पैटर्न अलग अलग है, नहीं समझे भाई। बेडरूम का एसी रोज यूज होता है, रोज 12 घंटे 8 9 घंटे चलता रहता है, ड्राइंग रूम में हफ्ते में कभी कोई एक बार आता है तो वो बहुत कम यूसेज होता है, तो बेडरूम का एसी मुमकिन है 4 साल में खत्म हो जाएगा, ड्राइंग रूम का 8 साल तक चलता रहेगा, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब क्या हुआ जरा सुने, कुछ 2 या 3 साल बाद मेरे बेडरूम का एसी खराब हो गया, बेडरूम का एसी खराब हो गया और बिल्कुल बैठ गया, तो मैंने एक्सपर्ट को बोला, उसने कहा यार अब ये बेकार हो चुका है, अब आप चेंज करें एसी। तो मैंने बेडरूम का एसी निकाल के फेंका, सुनना, और ड्राइंग रूम वाला एसी मैंने बेडरूम में लगा दिया। मैंने कहा ड्राइंग रूम में आजकल कोई आता तो है ही नहीं, चलो यार ड्राइंग रूम का एसी निकालो और बेडरूम में डाल दो, ठीक है, वो बेडरूम में डाल दिया। अब वो एसी जो पहले ड्राइंग रूम में लगा हुआ था और अब बेडरूम में जा रहा है, तो पहले उसका यूसेज कम था, अब उसका यूसेज अचानक से बढ़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, जब मैं यूसेज पैटर्न को अचानक से चेंज करूंगा तो मेरी रिमेनिंग लाइफ भी तो चेंज हो जाएगी, मेरी लाइफ भी तो चेंज हो जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में एक टॉपिक है बाकायदा जिसका नाम है रिविजन ऑफ यूजफुल लाइफ, रिविजन ऑफ यूजफुल लाइफ, जो कि एग्जामिन भी होता है। एक टॉपिक है बाकायदा जिसका नाम है रिविजन ऑफ यूजफुल लाइफ, जो कि मेरे प्यारे बच्चों एग्जामिन भी होता है, एग्जामिन भी होता है, रिविजन ऑफ यूजफुल लाइफ का एक टॉपिक है जो कि एग्जामिन भी होता है। ओके अच्छा, अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आप सब बच्चों से बताएं, मैंने एक चीज तो आपको ऐसे ही बता दी कि लाइफ रिवाइज होती है बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ यूसेज पैटर्न, लाइफ रिवाइज होती है एसेट की बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ यूसेज पैटर्न, क्या किसी और वजह से भी एसेट की लाइफ रिवाइज हो सकती है, प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स। क्या किसी और वजह से भी एसेट की लाइफ, वेरी गुड, एक जवाब आया, अच्छा
देखिए पहला एक जवाब आया है डैमेज, बिल्कुल सही है। डैमेज समझ लो या बॉम्ब ब्लास्ट समझ लो, इस तरह हमारा एक बड़ा सा जनरेटर था, वो बिल्कुल सही वर्किंग करता था, ठीक है। अचानक से हमारे एरिया के, हमारी बिल्डिंग में, हमारी बिल्डिंग के सामने बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो आपको पता है, जब कोई बहुत बड़े लेवल का बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो आगे पीछे की चीजों में बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। बिल्डिंग्स के शीशे वगैरह सब टूट जाते हैं। तो हमारा ये जनरेटर भी डैमेज हो गया। तो मैंने एक्सपर्ट को बुलाया ना, तो उसने कहा यार अब आफ्टर डैमेज आप इसको बेशक रिपेयर भी करा रहे हैं, लेकिन अब इसकी रिमेनिंग लाइफ बहुत कम रह गई है, इसकी रिमेनिंग लाइफ कम रह गई, तो बेटा लाइफ रिवाइज हो सकती है बिकॉज ऑफ बिग एक्सीडेंट, बिग एक्सीडेंट या किसी एक्सीडेंट की वजह से लाइफ रिवाइज हो सकती है, नंबर एक। नंबर टू, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं अपग्रेड, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक चीज है जिसको हम बोलते हैं अपग्रेड। व्हाट इज दिस अपग्रेड? सुने, मेरे पास एक चाइना का एसी था, तो जब एसी चाइना का था तो उसका दिल भी चाइना का था, एसी चाइना का था तो उसका दिल, सर एसी का दिल क्या होता है जनाबे वाला? एसी का दिल होता है उसका कंप्रेसर, एसी का दिल होता है उसका कंप्रेसर, सही है। अब कंप्रेसर भी चाइना का था, गौर से बात को सुने। तो ऐसी सूरत हाल में, ऐसी सूरत हाल में मुझे किसी ने कहा कि चाइना के कंप्रेसर की लाइफ सिर्फ 4 साल होती है, ठीक है। तो जब 2 साल गुजरे ना, जब 2 साल गुजरे तो मुझे किसी ने कहा कि आप इसमें जैपनीज कंप्रेसर लगाएं, चाइनीज कंप्रेसर लिखा निकलवा के जैपनीज कंप्रेसर लगवा दें तो इसकी लाइफ 10 साल हो जाएगी। तो मैंने यूं किया, मैंने चाइनीज कंप्रेसर निकलवा के जैपनीज कंप्रेसर लगवाया, 10 साल लाइफ हो गई। तो बेटा मैंने इसमें इसको अपग्रेड कर दिया, मैंने इसको इंप्रूव कर दिया। तो बेटा अपग्रेड करने की वजह से भी एसेट की लाइफ चेंज होती है, अपग्रेड करने की वजह से भी एसेट की लाइफ चेंज होती है, अपग्रेड करने की वजह से भी एसेट की लाइफ चेंज होती है। ओके राइट, ऐसा ही है, बात समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें इसमें हैं। फिर इसमें एक और टॉपिक भी आपको पढ़ाया जाएगा, एक्सचेंज ऑफ एसेट, एक्सचेंज ऑफ एसेट, पुराना एसेट देके नया एसेट लेना, ये सब भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। और सुने, फिर इसमें डिफरेंट थ्योरी के पार्ट भी पढ़ाए जाएंगे कि नॉन करंट एसेट रजिस्टर क्या होता है उसके बारे में। और एक एक असल बात, फिर एक एडवांस लेवल इसमें पढ़ाया जाएगा जो कि एफआईए वालों ने तो कभी नहीं पढ़ा, एफआईए वालों ने कभी नहीं पढ़ा, और ए लेवल्स वालों ने भी थोड़ा पढ़ा हुआ है, और वो है रिवैल्यूएशन। वो रिवैल्यूएशन है जो आपको पढ़ाई जाएगी कि IS 16 ने एसेट को मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करने के बारे में क्या बोला है, वो सब उसकी एंट्रीज, और पहले नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट यानी जमीन, फिर डेप्रिशिएटिंग एसेट्स, ये सारी चीजें इसकी हमारे कोर्स का पार्ट है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल इट्स अ वेरी बिग एरिया। अगर डेप्रिसिएशन इंसान जीरो से पढ़े ना, जीरो से बिल्कुल, तो हमारी, मैं ऑनलाइन क्लासेस में 10 क्लासे लग जाती हैं, जीरो से लेके पूरा पढ़े तो 10 क्लास लग जाती है इस पे, ठीक है। देन अकाउंटिंग फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, अकाउंटिंग फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, अकाउंटिंग फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, अकाउंटिंग फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। व्हाट इज, देखो आप सब जानते हो कि देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, आप सब जानते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, एक होती है कैश सेल्स और एक होती है क्रेडिट सेल्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, एक होती है कैश सेल्स और एक क्या होती है क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स क्या होती है, आपने सेल की उसी एक पैसा आ गया, देर इज नो रिस्क, देर इज नो रिस्क। बट यस यस, इफ यू डू क्रेडिट सेल्स देर इज अ वेरी बिग क्रेडिट रिस्क, देर इज अ वेरी बिग क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट सेल्स में बहुत बड़ा क्रेडिट रिस्क है, क्रेडिट सेल्स में बहुत बड़ा क्रेडिट रिस्क है, बहुत बड़ा क्रेडिट रिस्क है कि सामने वाला बंदा आपको पे ही ना करे, ठीक है। तो आपने अपनी लाइफ में बचपन में पढ़ा हुआ है, एक चीज तो होती है बैड डेट्स रिटन ऑफ। व्हाट इज बैड डेट्स रिटन ऑफ? सुकून से सुने, जब आपको इस बात का यकीन हो जाता है, सर्टेनिटी हो जाती है कि आपका कस्टमर, आपको क्रेडिट कस्टमर आपको पे नहीं करेगा, तो उस टाइम आप नुकसान बांध लेते हो, आप नुकसान बुक कर लेते हो, आप राइट ऑफ कर देते हो, ऐसे बेकार डेटर को, गंदे डेटर को उठा के लिस्ट से बाहर कर देते हो, और आप लोग एंट्री बनाते थे, याद है, बैड डेट्स डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, बैड डेट्स रिटन ऑफ डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, बैड डेट्स डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। आप अपनी बुक्स को क्लीन कर लेते हो, आप अपनी बुक्स को क्या कर लेते हो, क्लीन कर लेते हो, सही। अच्छा, इसी एरिया के अंदर एक और एरिया भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है, और वो है डाउटफुल डेट्स का, डाउटफुल डेट्स का, जिसको हम अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स भी बोलते हैं, या कुछ ONA लेवल्स की बुक में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का भी वर्ड है, सही है। तो हम वो अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट उसमें एस्टिमेट करते थे कि कितने परसेंट लोग हमें पे नहीं करेंगे, यानी शक की अकाउंटिंग। देखो ये तो, ये जो बैड है ना, ये तो यकीन है, और ये जो अकाउंटिंग है ना भाई, ये शक की अकाउंटिंग है, ये डाउटफुल डेट की अकाउंटिंग जो है ये शक की अकाउंटिंग है।
इसमें आप लोग अलाउंस की पूरी अकाउंटिंग करते थे कि अगर अलाउंस फर्स्ट टाइम क्रिएट हो रहा है तो क्या होगा, इंक्रीज इन अलाउंस हो रहा है तो क्या होगा, डिक्रीज इन अलाउंस हो रहा है तो क्या होगा, ये सारी चीजें सही है। इसी तरह एक बंदे को आपने राइट ऑफ कर दिया एक बार, एक बंदे को आपने एक बार राइट ऑफ कर दिया और उसके बाद एक बंदे को आपने एक बार राइट ऑफ कर दिया और उसके बाद वो दोबारा वापस आ गया, अब क्या होगा, यानी बैड डेट रिकवर्ड के केस, ये सारी चीजें इसमें, इट्स अ वेरी गुड एरिया, स्कोरिंग स्कोर करने वाला एरिया ये, राइट। देन फिर उसके बाद है आपके पास अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स। सुने, इसमें आपको टीचर सबसे पहले चार चार डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ाई जाती है। इधर देखें, एक्रूड एक्सपेंस की डेफिनेशन, प्रीपेड एक्सपेंस की डेफिनेशन, एक्रूड इनकम और प्रीपेड इनकम, एक्रूड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड इनकम, सही है। जैसे मिसाल के तौर पे एक डेफिनेशन याद दिलाता हूँ सिर्फ, एक्रूड एक्सपेंस क्या होता है, हर वो एक्सपेंस जो यूज हो गया, यूटिलाइज हो गया, इनकर हो गया लेकिन पे नहीं हुआ, हर वो एक्सपेंस जो यूज हो गया, हर वो एक्सपेंस जो यूज हो गया, यूटिलाइज हो गया लेकिन, यानी इस्तेमाल हो गया लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ, वो एक्रूड है, सही है। एंड इट्स अ लायबिलिटी, इट्स योर करंट लायबिलिटी, एक्रूड इज योर करंट लायबिलिटी, एक्रूड इज योर करंट लायबिलिटी, ओके। इसकी मिसाल क्या हो सकती है, वेजेस हो सकती है, इसकी मिसाल के इलेक्ट्रिक का बिल हो सकता है कि हम पूरा महीना यूज करते हैं और फिर मंथ के एंड के बाद नेक्स्ट मंथ पे करते हैं, राइट। तो मंथ के एंड पे खड़े होते हैं तो हमने उसे यूज कर लिया होता है, पे नहीं किया होता। इसी तरह सेकंड हमारे पास होता है प्रीपेड एक्सपेंस, सेकंड हमारे पास क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है, वो एक्सपेंस जो हमने पे कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है, वो एक्सपेंस जो हमने पे कर दिया लेकिन यूज नहीं किया, वो एक्सपेंस जो हमने पे कर दिया लेकिन यूज नहीं किया वो प्रीपेड है, यानी एडवांस पेमेंट। प्री पेमेंट का मतलब क्या है, एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट। बात को फोर से सुने, जैसे जैज और यूफोन का कार्ड, आप लोग प्रीपेड सिम में कार्ड लोड करते हो ना तो पहले पे करते हो फिर यूज करते हो, नॉर्मली रेंट्स आप पहले पे करते हैं फिर उस जगह पे जाके रहते हैं एडवांस रेंट। हमारे साथ जो आपका ताल्लुक है, जो आप हमें हमें एडवांस फीस देते हो पहले और फिर आप हमारे साथ हमारी सर्विस लेते हो ना, सही है। तो ये सब प्री पेमेंट्स है, तो ये सारी चीजें इसमें डिस्कस होंगी, एक्रूड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड इनकम, सुनिएगा। और साथ साथ फिर इनके अकाउंट्स पूरे बनाए जाते हैं, जो लोग पढ़े हुए हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, इसमें पाप अकाउंट, PAAP, पाप अकाउंट, आपा अकाउंट, ये सारे अकाउंट आपके सामने, अगर आप लोग को याद हो, ये सारे अकाउंट टीचर्स आप लोगों के साथ बनाते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है, और उसमें बच्चे गलतियां भी करते हैं, कुछ लोगों के लिए ये टफ भी होता है, ठीक है। FIA वालों ने ये पूरी तरह पढ़ा हुआ है, ए लेवल्स वालों ने भी पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ सवालात बहुत टेक्निकल आते हैं तो वो काफी सारी चीजें भूल भी चुके होते हैं, ठीक है। तो इसकी भी आपकी काफी क्लासेस होंगी। देन अगला टॉपिक है इन्वेंटोरी वैल्यूएशन, इन्वेंटोरी वैल्यूएशन, IS2, इन्वेंटोरी, इन्वेंटोरी वैल्यूएशन, इन्वेंटोरी वैल्यूएशन। हम सबको पता है कि इन्वेंटोरी वो एसेट है जो रीसेल की नीयत से लिया गया है, इन्वेंटोरी वो एसेट है जो रीसेल की नीयत से लिया गया है, इन्वेंटोरी वो एसेट है जो रीसेल की नीयत से लिया गया है, ओके। अब इस टॉपिक में आपको सबसे पहले इन्वेंटोरी डैमेज, इन्वेंटोरी स्टोलन, स्टॉक चोरी होने के केसेस पढ़ाए जाएंगे, कि स्टॉक चोरी होने का एक केस होता है अनइंश्योर्ड स्टॉक स्टोलन, एक होता है इंश्योर्ड स्टॉक स्टोलन, कि आपका स्टॉक चोरी हुआ और वो इंश्योर्ड था, ये सारी तफसीलात हैं इसमें, सही है। फिर इस चैप्टर में आपको एक बहुत मशहूर लाइन पढ़ाई जाएगी, इन्वेंटोरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन के थ्रू वो पूरा समझाया जाएगा और उसके सवाल बहुत सारे कराए जाएंगे, ठीक है। फिर एक और चीज आपको कराई जाएगी, शायद आप लोगों को याद हो, मैं जरा याद दहानी कराता हूँ, देखो सुनो, क्या आपको लेटेस्ट से ये है आपके पास 1st of January 08, ये है 31 December 08, तो एग्जामिनर आपको एक दिन का स्टॉक दे देगा, जैसे आपको ईयर के स्टार्टिंग का स्टॉक दे दिया 10,000 यूनिट, सही है, और इस पूरे साल की वो आपको ट्रांजेक्शन दे देगा, ईयर के स्टार्टिंग का स्टॉक दे देगा और इस पूरे साल की ट्रांजेक्शन देगा, और वो आपको यूं बोलेगा फॉरवर्ड जाके यहाँ आ जाओ, ये निकाल दो। तो इसमें कभी कभार फॉरवर्ड वर्किंग भी आ रही होती है और कभी कभार रिवर्स वर्किंग भी आ रही होती है, इसमें कभी कभार फॉरवर्ड वर्किंग भी आ रही होती है बच्चों, और इसमें रिवर्स वर्किंग भी आ रही होती है। आपको कभी इसमें पास्ट डेट से फ्यूचर डेट पे भी जाना होता है और फ्यूचर डेट से पास्ट डेट की तरफ भी जाना होता है, ये दोनों चीजें माय डियर 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 स्टूडेंट्स हमारे कोर्स के स्कोप का पार्ट है,
ये दोनों चीजें हमारे स्कोप का हिस्सा है. ओके राइट. देन फिर इन्वेंटोरी वैल्यूएशन के चैप्टर में एक और एरिया भी कराया जाता है जो आप लोगों को याद होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज कॉस्ट, फर्स्ट फीफो, एवरेज कॉस्ट. और आपने बल्कि जिन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग सबने ही थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, लीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट और एवरेज कॉस्ट. लेकिन आपको यहाँ बता दिया जाएगा कि F3 इज अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं. तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने आज से कई सालों पहले लास्ट इन फर्स्ट आउट को डिसअलाउ कर दिया है. तो हमारे F3 वाले कोर्स में कभी भी लीफो नहीं होगा. F3 वाले कोर्स में वी विल नेवर स्टडी लीफो. यस, आप जो कॉस्टिंग पढ़ रहे होंगे सर के साथ, F2 में जो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे होंगे उसमें, जो कॉस्ट अकाउंटिंग आप लोग पढ़ रहे होंगे उसमें लाजमी लीफो होगा, उसमें लाजमी लीफो भी आप लोग पढ़ होंगे. क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग घर की खेती है, कॉस्ट अकाउंटिंग घर की खेती है, वो जिस तरह करना है करो, उसके ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है. लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम अप्लाई कर रहे होते हैं, राइट. तो ये सारी चीजें इन्वेंटोरी वैल्यूएशन के चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी, सही है. फिर कॉस्ट ऑफ इन्वेंटोरी पढ़ाई जाएगी. क्या आप जब एक इन्वेंटोरी खरीदते हो तो तरह तरह के खर्चे होते हैं. अगर फॉरेन कंट्री से इन्वेंटोरी मंगा रहे हो तो उस पर अलग किस्म के खर्चे होंगे, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट देना पड़ रहा होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देनी पड़ रही होती है, हाँ हैंडलिंग कॉस्ट देनी पड़ रही होती है, ये सब चीजें. तो इन सब चीजों का क्या ट्रीटमेंट है. फिर कुछ इदारे होते ऐसे होते हैं, गौर से सुने, जैसे सुपरमार्केट है जो एक हाथ से इन्वेंटोरी खरीद के दूसरे हाथ पे बेच देती है, एक हाथ से इन्वेंटोरी खरीदी और दूसरे हाथ से बेच दी. और कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो इन्वेंटोरी पहले रॉ मटेरियल की फॉर्म में खरीदते हैं, इन्वेंटोरी पहले रॉ मटेरियल की फॉर्म में खरीद के उसको मैन्युफैक्चर करते हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग वालों की कॉस्ट अलग लग रही होती है, जो डायरेक्ट खरीद के बेच रहे होते हैं उनकी कॉस्ट अलग लग रही होती है. तो उसकी तफसील भी आपको बताई जाएगी, उसकी तफसील भी आपको बताई जाएगी. देन उसके बाद आपके पास एक टॉपिक होगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. उसके बाद आपके पास एक टॉपिक होगा जिसका नाम क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इज बेसिकली गेम ऑफ मिसिंग फिगर्स. इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इज बेसिकली, मैं सादा लफ्जों में बताऊं, गेम ऑफ मिसिंग फिगर्स. बड़ा मजेदार टॉपिक है. इसमें ऐसी ऐसी कहानियां आएंगी कि ईयर एंड पर आपके स्टोर रूम में आग लग गई, जितना स्टॉक पड़ा था सारा स्टॉक जल गया, जितना स्टॉक पड़ा था सारा का सारा स्टॉक जल गया. ओके अब एग्जामिनर पूछेगा भाई कितना लॉस हुआ, एग्जामिनर आपसे पूछेगा साहब साहब कितना लॉस हुआ, तो आपको कैलकुलेट करना होगा, आपको कैलकुलेट करना होगा क्लोजिंग स्टॉक, आपको कैलकुलेट करना होगा क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, तो अब आपने ढूंढना होगा कि क्लोजिंग स्टॉक किस फॉर्मूले से निकल सकता है और उसके थ्रू आप निकालोगे. इसी तरह ऐसे किस्से भी आते हैं कि ईयर एंड पर आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में गए, और आपका अकाउंटेंट गायब, बुक कीपर गायब था. आपने फौरन से टिल यानी ड्रॉ खोला तो वो भी बिल्कुल साफ सारा पैसा गायब. तो आप समझ गए कि वो पैसा लेके फरार हो गया है, पैसा लेके फरार हो चुका है. तो अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा नीचे रिकॉर्ड में, अमाउंट ऑफ कैश स्टोलन, भाई कितना कैश चोरी हुआ ये तो बता दो, कितना कैश चोरी हुआ है. अमाउंट ऑफ कैश स्टोलन यानी कितना कैश चोरी हुआ है. तो बेटा आपको कैश अकाउंट बना के वो कैश स्टोर निकालना होगा. तो इस तरह की बहुत सारी मिसिंग चीजें, एक दरख से जंप मार के दूसरे दरख से इधर जंप 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 करके चीजें निकालनी होती हैं. और बड़ा मजेदार टॉपिक होता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. ठीक है, अब देखें ये सारे टॉपिक जो मैंने लिखे थे ये सब ब्लैक मार्कर से लिखे हुए थे. प्लीज अब जागे, ये सारे टॉपिक जो मैंने लिखे थे ब्लैक मार्कर से लिखे थे. ये वो टॉपिक्स हैं जो FIA वाले बच्चों ने, जिन्होंने FA1 और FA2 पढ़ के आए हुए, उन्होंने ये सब पढ़ा हुआ है. जो FIA वाले बच्चे हैं उन्होंने ये सब चीजें पढ़ी भी है. बेशक हम उनको वापस भी पढ़ाते हैं, मसला नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ कि उन्होंने पढ़ी भी है. ये जिन्होंने बाकायदा क्लासेस ली हैं FA1 और FA2 दोनों, तो उन्होंने ये ब्लैक मार्कर वाली चीजें काफी हद तक पढ़ी हुई है, सिवाय इसके कि डेप्रिसिएशन का एडवांस एरिया. अब शुरू होता है ये ब्लू मार्कर. देखें अब ये ब्लू मार्कर वाले एरिया स्टार्ट होता है. ब्लू मार्कर वाला एरिया FIA वालों ने कभी नहीं पढ़ा. ठीक है, ए लेवल्स वालों ने कुछ हद तक इनमें से कुछ चीजें ब्लू मार्कर वाली भी पढ़ी है, जिसने ए लेवल्स अकाउंट्स दिया हुआ है. ठीक है, पहला नाम क्या है, लिमिटेड कंपनी अकाउंट्स. सही है, अब देखिए यहाँ से आपको ऑफिशियली लिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, क्योंकि FIA वालों ने आज तक जो अकाउंटिंग पढ़ी थी वो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप की पढ़ी थी. सोल ट्रेडर पढ़ी थी और पार्टनरशिप पढ़ी थी. ठीक है,
तो लिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, उसकी पूरी थ्योरी समझाई जाएगी, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, डायरेक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट होंगे, सही है। फिर कंपनी किस तरह रिजर्व्स मेंटेन करती है वो सब सिखाया जाएगा। कंपनी फाइनेंस जेनरेट करने के लिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर इशू करती है, राइट इशू क्या होता है वो सिखाया जाएगा, बोनस इशू क्या होता है वो सिखाया जाएगा। ये सारी की सारी तफसीलात आपको दी जाएंगी, ये सारी की सारी तफसीलात आपको दी जाएंगी। ओके, फिर पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सिखाई जाएगी कि अगर तवज्जो सुने, अगर आज आप किसी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स बाय करें, तो आप उसके मालिक बन जाते हैं, ओनर बन जाते हैं, तो कम अज कम साल में एक बार कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको कंपनी वाले भिजवाते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट्स लाइक अ बुकलेट, वो आपको 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 कंपनी वाले भिजवाते हैं, सही है। अब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उसमें इनकम स्टेटमेंट होती है, उसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन होती है, उसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती है, सोशी, उसमें आपका देयर इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो होती है, उसमें नोट्स टू द अकाउंट्स होते हैं, वो सारी चीजें और उन चीजों को बनाना सिखाना, उन चीजों की प्रैक्टिस करना, ये सब हमारे स्कोप का पार्ट है, सही है। तो इट्स अ वेरी गुड एरिया, स्कोरिंग एरिया। देन अब हमारे कोर्स का मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, हमारे कोर्स का दिल है ये, सुने यहाँ। अब एक एरिया आपको नजर आ रहा होगा जिसका नाम है कंसोलिडेशन। ये देखो ये रहा। आप हो सकता है आपको नजर आ रहा हो, भैया यहाँ देखिए नजर आ रहा है, मैंने जरा इनलार्ज कर दिया है, नजर आया। एक एरिया आपको नजर आ रहा होगा जिसका नाम है कंसोलिडेशन। ये एरिया एक ऐसा एरिया है, मैं सिर्फ यूं बता दूं कि ये F3 का वाहिद एरिया है कि अगर ये एग्जाम में ना आए तो केस कर देना एग्जामिनर पे, बाकी किसी एरिया के लिए मैं गारंटी नहीं दे रहा। इस ये एरिया एग्जाम में फिक्स करा एग्जामिनर ने, यानी इसके 15 मार्क हर हाल में फिक्स है, फिक्स 15 मार्क है, वेरिएबल मार्क्स अलग है, 15 तो आएगा ही आएगा, बाकी इसके अलावा वेरिएबल MCQs भी आ सकते हैं। मैं पेपर फॉर्मेट भी अभी आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ, बेफिक्र हो जाए। तो कंसोलिडेशन एक ऐसा एरिया है और ये एरिया तुम में से किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ, किसी को अलिफ भी नहीं आती, किसी को इस एरिया की अलिफ भी नहीं आती, इस एरिया की किसी को अलिफ भी नहीं आती कंसोलिडेशन की। बच्चे ने कहा यार ये क्या चीज है। मैंने कहा ये पहले तो ये सुन लें कि ये ऑलमोस्ट 10 to 11 क्लासेस का टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, और मैं हमेशा, मेरी आदत ये है कि मैं इससे कोर्स शुरू करता हूँ ताकि एक बच्चे को अच्छा फ्लेवर मिले। ये एक एरिया है बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे, मेरा तो फेवरेट एरिया है, एक अच्छा चैलेंजिंग एरिया भी है और जिंदा रहने वाला एरिया भी है। मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूँ, देखो देखें सामने देखें बेटा, आज हमारा सामने देखें मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो इंस्टीट्यूट है मिर्चावाला हब ऑफ अकाउंटेंसी, ये इस वक्त किस फील्ड में है? मिर्चावाला हब ऑफ अकाउंटेंसी किस फील्ड में है? मिर्चावाला हब ऑफ अकाउंटेंसी जो है वो एजुकेशन सेक्टर में, एग्री करते हो? तो आज अगर मिर्चावाला इंस्टीट्यूट ये चाहे कि वो फूड में भी आ जाए, आज अगर हमारा इंस्टीट्यूट ये चाहे कि हम फूड में भी आ जाए, तो हमारे पास एक ऑप्शन ये होगा, हमारे पास एक ऑप्शन ये होगा कि हम लोग जीरो से अपनी कोई रेस्टोरेंट खोलें, जीरो से। तो हमें इस वक्त लोग एजुकेशन में जानते हैं, हम लोग एजुकेशन में हिट हैं, इस वक्त हम फूड में थोड़ी हिट हैं। तो फूड की दुनिया में अगर हम एंटर होंगे तो जीरो से हमें कितने साल मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी शायद हमें हिट हो शायद ना हो। तो एक ऑप्शन ये है हमारे पास कि हम अगर फूड में एंटर होना चाहते हैं तो क्यों ना हम कोई चलता हुआ बिजनेस फूड का टेक ओवर कर लें, हम जाके ब्रॉडवे पिज्जा या कैलिफोर्निया पिज्जा या कोई और अच्छा रेस्टोरेंट है उसको चलता हुआ टेक ओवर कर लें, जिसके पास ऑलरेडी चलती हुई दुकान हो, चलते हुए कस्टमर्स हो। तो बेटा दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग इन दिस होल वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया में, कि लोग चलता हुआ बिजनेस खरीद लेते हैं एक दूसरे का, ये बहुत कॉमन है हमारे यहाँ भी है। और आप अगर US वगैरह की साइड पे जाके देखें, आप जिस शहर में भी होंगे, वहां जिस स्टेट में भी होंगे, सिर्फ आप नेट पे लिखें ना, तो इतने बिजनेसेस रोज बिकने हुए आ रहे होते हैं, रोज कितने बिजनेसेस चलते हुए बिक रहे होते हैं, आप जाके खरीदें और पहले दिन से आपको रेडीमेड दुकान मिल जाएगी। हाँ,
तो दिस इज वेरी कॉमन कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को चलता हुआ खरीदता है। तो अब एक जिस तरह मैंने बोल रहा हूँ ना, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को चलता हुआ खरीदता है, तो अब हम लिमिटेड कंपनी की दुनिया में आ गए। तो लिमिटेड कंपनी की दुनिया में एक कंपनी दूसरी कंपनी को चलता हुआ खरीदती है, और वो नॉर्मली चलता हुआ खरीदती है थ्रू ऑर्डिनरी शेयर्स, थ्रू ऑर्डिनरी शेयर्स। तो लेट अस से इस एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 80% ऑर्डिनरी शेयर्स खरीद लिए हैं। 80% का मतलब क्या है, 50% प्लस है ना, 50% प्लस है ना। तो जब पी कंपनी के पास एस कंपनी के 80% यानी 50% प्लस ऑर्डिनरी शेयर्स आ गए, तो 50% प्लस को बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी, जरा दिमाग से सोचें यार, आज अगर जो हमारी क्लास इस वक्त जो हमारी राइट नाउ क्लास हो रही है, उसमें लेट अस से पूरा जमहूरी निजाम है, जमहूरी निजाम है, ठीक है, वोटिंग पे काम होगा। और मैं आज अगर किसी डिसीजन पे आप लोग की वोटिंग कर रहा हूं, तो अगर क्लास के 51% बच्चे एक जगह जमा हो जाए, तो बाकी 49 तो कुछ नहीं कर सकते ना। 51% का मतलब मेजोरिटी आ गई, 51% का मतलब मेजोरिटी वोट्स आ गए। हाँ, तो यहाँ भी यही है कि अगर पेरेंट कंपनी के पास एस कंपनी के 50% प्लस शेयर्स आ गए, पेरेंट कंपनी का एस कंपनी के 50% प्लस शेयर्स आ गए, तो पेरेंट कंपनी के पास सिंपल मेजोरिटी आ गई है। पेरेंट कंपनी के पास क्या आ गई है, सिंपल मेजोरिटी आ गई है। पेरेंट कंपनी का सिंपल मेजोरिटी आ गई है, तो हम यूं बोलेंगे कि पी कंपनी ने इस एस कंपनी को चलता हुआ खरीद लिया है, इसको एस कंपनी को चलता हुआ खरीद लिया है, ठीक है। तो जिसने जिसने दूसरे इदारे को चलता हुआ खरीद लिया, उसके पास कंट्रोल आ जाता है, इसको बोलेंगे पेरेंट, इसको बोलते हैं पेरेंट कंपनी। जिसको कंट्रोल कर लिया गया, उसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी, उसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। और इनके जो मिलाप है ना, ये पूरे इसके कॉम्बिनेशन को, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज। ओके, एक आपके पास है पेरेंट, एक आपके पास है सब्सिडरी, और इनके मिलाप को बोलते हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज, सही है। अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें, हम अपने सराउंडिंग सिर्फ अपने मुल्क में ही देखें, तो बड़ी बड़ी ग्रुप ऑफ कंपनीज आपको नजर आएंगे। आपको लकी ग्रुप, लकी ग्रुप का नाम आपने सुना होगा, तो लकी ग्रुप के पास सीमेंट का काम भी है, टेक्सटाइल का काम भी है, उनका लकी वन मॉल भी है। हाँ, लकी ग्रुप के पास आईसीआई भी है, जो आईसीआई पाकिस्तान में है ना, वो लकी ग्रुप ही उसकी पेरेंट कंपनी है। तो ऐसे कितने ग्रुप्स आपको नजर आएंगे। इसी तरह निषाद ग्रुप, निषाद ग्रुप के पास टेक्सटाइल भी है, निषाद चुनिया, निषाद मिल्स, ये उसकी बड़ी बड़ी कंपनीज है स्टॉक मार्केट में। इसी तरह निषाद ग्रुप के पास आदमजी इंश्योरेंस भी है, निषाद ग्रुप के पास एमसीबी बैंक भी है, एमसीबी बैंक भी निषाद ग्रुप वालों की है, सही है। तो इस तरह ऐसे बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स आपको नजर आ रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स नजर आ रहे होंगे। तो बेटा आज तक मेरे बच्चों, इधर देखो, आज तक आप लोगों ने जो अकाउंटिंग मैक्सिमम पढ़ी है ना, वो एक सिंगल कंपनी की पढ़ी है, एक कंपनी के अकाउंट्स पढ़े हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप मर्ज अकाउंट्स बनाएंगे, देखें इस पूरे ग्रुप के कंबाइंड अकाउंट्स बनाएंगे, मर्ज अकाउंट्स बनाएंगे, यानी कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाएंगे। अब आप लोग कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाओगे, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाओगे, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाओगे, ओके, राइट। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है। और आप लोग के इस कोर्स में बेटा कंसोलिडेटेड कंसोलिडेशन की एसओएफपी भी है, यानी उसकी बैलेंस शीट भी है, और कंसोलिडेशन की इनकम स्टेटमेंट भी है, कंसोलिडेशन की एसओएफपी भी है और कंसोलिडेशन की इनकम स्टेटमेंट भी है, कंसोलिडेशन की एसओएफपी भी है और कंसोलिडेशन की इनकम स्टेटमेंट भी है। ओके, तो मैं फिर कह रहा हूं कंसोलिडेशन के 15 मार्क्स फर्ज हैं और बाकी इसके ऑप्शनल मार्क्स हैं। अच्छा, बल्कि यूं भी सुने, ये ना सिर्फ पार्ट वन के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये ऐसी चीजें जो पार्ट टू में भी आती है, पार्ट टू का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर है उसमें भी ये आराम से 20 मार्क्स का फिक्स है और बाकी वेरिएबल इसमें आता है। फिर इसी तरह पार्ट थ्री में भी कंसोलिडेशन फिक्स होता है। तो ये ACCA में भी ओवरऑल चलता रहता है, फिर ACCA के बाद कितने बच्चे ICAW करते हैं, कितने बच्चे ICAW करते हैं, तो उसमें भी ये कंसोलिडेशन एक बहुत बड़ा एरिया है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको दिल से पढ़ने वाली चीज है, यानी एक ही बार अच्छी इन्वेस्टमेंट बंदा करे और बुनियाद इसकी स्ट्रांग कर ले। ओके, चलो इसको, इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लो, अगर करना है तो कर लो, मैं 30 सेकंड के लिए चुप हूं। लिख लिया बेटा, बोलो भाई।
अच्छा जी, इसके बाद एक एरिया है जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट। सुनो बेटा, ये याद रहे कि जो इनकम स्टेटमेंट आप लोग बना के शेयर होल्डर को भिजवाते हैं ना, तो इनकम स्टेटमेंट एक्रूअल बेसिस पे बनती है। इनकम स्टेटमेंट एक्रूअल बेसिस पे बनती है। इनकम स्टेटमेंट किस बेसिस पे बनती है बेटा? एक्रूअल बेसिस पे बनती है इनकम स्टेटमेंट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक्रूअल बेसिस पे बनती है। लेकिन कैश की अपनी इंपॉर्टेंस है, कैश की अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे मैं एक बात बोलता हूँ, इस वक्त दुनिया में समझ लो रिसेशन के करीब है दुनिया। इस वक्त करंटली दुनिया में रिसेशन के करीब है, तो अब चीजें सस्ती हो जाएंगी, प्रॉपर्टीज की वैल्यू गिरेंगी, स्टॉक्स गिर जाएंगे। कितने, मैंने अभी आपको एक बात बोली ना कि चलता हुआ बिजनेस दुनिया में बिकता है, चलता हुआ बिजनेस। तो आप देखें दुनिया में कितने बिजनेस इस वक्त तड़प तड़प के खत्म हो रहे हैं, तड़प तड़प के बिजनेस खत्म हो रहे हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी का टाइम है। सो बिल्कुल हकीकत बोल रहा हूँ। पाकिस्तान की क्या बात करें, वर्ल्ड वाइड, यूएस में भी, अभी तो यूएस में बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है, एक और यानी ठीक ठाक और डबल रिसेशन आने वाला है। तो जब रिसेशन आता है तो चीजें कोड़ियों के दाम हो जाती हैं, चीजें सस्ती हो जाती हैं, प्रॉपर्टीज सस्ती हो जाती हैं। लोग बैंकरप्ट हो के प्रॉपर्टीज बेच रहे होते हैं, अपने बिजनेसेस को सस्ते दामों में बेच रहे होते हैं। तो उस वक्त अगर आपके यहाँ पैसा पड़ा हो ना, तो बस छक्का है, फिर आप सस्ते दामों में चीजें पकड़ लो और फिर कुछ ही सालों में रिसेशन खत्म होता है। एक साइकिल है, इकोनॉमिक साइकिल है। तो फिर आप एक बहुत अच्छा अच्छी डील में कमा के निकलते हो, बहुत कमा के निकलते हो। तो देखिए इस वक्त राइट नाउ कैश इज किंग। इस वक्त सब यही कह रहे हैं कैश इज किंग, जिसका पैसा पड़ा है वो किंग है, राइट? ओके, तो भाई आप ये स्टेटमेंट सुने, प्रॉफिट इज गुड बट कैश इज किंग। तो इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट अच्छी चीज है, लेकिन कैश की अपनी बात है भाई। तो अब शेयर होल्डर्स जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन में भी इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी की, मेरे बच्चों, कैश फ्लो पोजीशन में भी इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। कैश फ्लो पोजीशन में भी इंटरेस्ट ले रहे होते हैं कि कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन क्या है। नहीं समझ रहे बात को, कि कंपनी का पैसे कितने अवेलेबल हैं और कंपनी ने वो पैसा कहाँ से जनरेट किया है, किन एक्टिविटीज से जनरेट किया है, अपने ऑपरेशन से जनरेट किया है या अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जनरेट किया है या शेयर इशू करके जनरेट किया है या लोन लेके जनरेट किया है। तो ये सारी चीजें इस स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से पता लगती हैं, सही है? और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के ऊपर जो आईएएस गवर्न होता है वो आईएएस 7 है। जो आईएएस से रिलेटेड चल रहा होता है वो आईएएस 7 है। ओके, देन उसके बाद आपके पास एक एरिया है जिसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक एरिया है जिसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम रेशियो एनालिसिस बोलते हैं। जो बच्चे ए लेवल्स बैकग्राउंड वाले बैठे हैं, उन्होंने काफी हद तक ये पढ़ा हुआ भी है। जैसे ए लेवल्स अकाउंट्स में पढ़ा है और ए लेवल्स बिजनेस स्टडीज में भी ये कुछ पढ़ाया जाता है। ए लेवल्स बिजनेस स्टडीज में भी रेशियोज बच्चों को पढ़ाए जा रहे होते हैं। सुने सर ये क्या एरिया है? मैंने कहा मैं समझा देता हूँ, इधर देखिए यार, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास आ रही होती है ना, वो एक ऐसी ऐसी लैंग्वेज में आ रही होती है जो इतनी आसानी से अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, हम कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए डिफरेंट रेशियोज कंप्यूट करते हैं। मैं ऐसे ही याद दिहानी के लिए बोल रहा हूँ, जैसे जीपी मार्जिन है, जैसे एनपी मार्जिन है, एक और रेशियो होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये रॉकी, ROCE, रॉकी रॉकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रॉकी नाम सुना होगा इसका भी। तो डिफरेंट रेशियोज कंप्यूट करते हैं, और जब हम ये रेशियोज कंप्यूट करते हैं तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें मीनिंगफुल मैसेज देना शुरू कर देती है। बात सुने, यहां देखें, सामने देखें। अब मैं एक बार एक फाइनेंस की बुक पढ़ रहा था, तो जब रेशियोज का चैप्टर शुरू हुआ ना, तो उसने बड़ी एक स्टाइल से बात की, जरा सुने। उसने यूं लिखा, देखो वाई रेशियोज, ये देखें, ये सवाल सुने, वाई रेशियोज, वाई नॉट रॉ फिगर्स? ये है सवाल, वाई रेशियोज, वाई नॉट रॉ फिगर्स, वाई रेशियोज, वाई नॉट रॉ फिगर्स? ओके, कि रेशियोज ही क्यों है, रॉ फिगर्स की बेसिस पे हम क्यों नहीं कर सकते? एक मिनट, रेशियो का मतलब दो चीज, थोड़ी सी बस टाइम लगा लें। रेशियोज का मतलब दो चीजों का कंपैरिजन, तो आप रेशियोज ही क्यों निकाल रहे हैं?
आप कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करना चाहें तो रॉ फिगर्स से कर लें। रॉ फिगर्स का मतलब क्या, सुनो, कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में सेल्स का नंबर होता है, उससे परफॉर्मेंस चेक कर लें। कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट का नंबर होता है, नेट प्रॉफिट का, उससे परफॉर्मेंस चेक कर लें। कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट्स का नंबर होता है, उससे परफॉर्मेंस चेक कर लें। कंपनी की बैलेंस शीट में टोटल लायबिलिटीज होती हैं, उससे परफॉर्मेंस चेक कर लें। तो डिफरेंट ये रॉ नंबर्स होते हैं, डिफरेंट रॉ नंबर्स होते हैं, उससे आप लोग फाइनेंशियल कंपनी की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, उससे आप कंपनी की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। लेकिन आप रेशियोज ही क्यों निकाल रहे हैं, आप रेशियोज ही क्यों निकाल रहे हैं, इसका उसने जवाब दिया, उसका जवाब दिया। सुनो, इधर देखें, यहां देखें, मैं आपसे कह रहा हूं कि कंपनी को इस बार नेट प्रॉफिट हुआ है, कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है $1 million। एक कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है $1 million। एक सेकेंड होल्ड ऑन, एक सेकेंड, हेलो, एक कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है $1 million। $1 million, हाँ, तो आपने कहा यार क्या प्रॉफिट है यार, $1 million से वेरी गुड नंबर, $1 million है यार, आपने खुश हो गया। लेकिन आपको अगली बात क्या बताई गई, बताऊं कि ये $1 million का प्रॉफिट तब हुआ है, सुनो, अब अगली बात सुनो, $1 million का प्रॉफिट तब हुआ है जब आपने $100 million की इन्वेस्टमेंट की है, जब आपने $100 million की इन्वेस्टमेंट की है। तो अब आपकी शक्ल बन गई, अब आपकी एकदम शक्ल बन गई, क्यों, सुनो, आपने $100 million लगाए तब जाके सिर्फ 1 मिलियन कमाए, 100 मिलियन लगा के 1 मिलियन कमाए, तो रिटर्न कितना है, सिर्फ 1% है, रिटर्न सिर्फ 1% आया यार आपका। अब जरा सोचो, अज्यूम करते हैं कि इस मुल्क में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8%, इस मुल्क में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8%, इस मुल्क में इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है 8%। तो बेटा आप जरा एक बात सोचें, आपने $100 million जो लगाए उस पर आपने सिर्फ 1% कमाया है अपने बिजनेस में। अगर यही पैसा चुपचाप बैंक में ही रखवा देते तो आपको विदाउट रिस्क 8% मिल जाता है यार, जिसका मतलब आपने अपनी, आपका बिजनेस की परफॉर्मेंस टोटली खराब है। तो देखें, जैसे ही आपने रेशियो निकाला, जैसे ही आपने रेशियो दो चीजों को कंपेयर किया, तो आपके पास मीनिंगफुल मैसेज नहीं आया, नहीं समझे बात को यार, सिर्फ नेट प्रॉफिट देख रहे थे तो नेट प्रॉफिट तो आपको गुमराह कर रहा था, लेकिन आपने नेट प्रॉफिट को जैसे ही अपनी इन्वेस्टमेंट से कंपेयर किया, आपने नेट प्रॉफिट को जैसे ही अपनी इन्वेस्टमेंट से कंपेयर किया, तो मीनिंगफुल पिक्चर आपके सामने आ गई, मीनिंगफुल पिक्चर आपके सामने आ गई, ओके, राइट। तो इस वजह से हम लोग रेशियोज कंप्यूट करते हैं। तो इस टॉपिक में बहुत सारे रेशियोज हैं और उनकी कमेंट्री भी है, सिर्फ रेशियोज नहीं है बल्कि उसकी डिस्कशन भी है, द रियल थिंग इज डिस्कशन, ओके। प्लीज कॉपी लिख लें, ये नोट डाउन कर लें थोड़ा। ठीक है जी, अब माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे कोर्स में ये सारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारे, ये बहुत बड़ा एरिया है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। IS-1 है, IS-2 है, IS-7, IS-10, 16, 37 एंड 38। एक मिनट अजान हो रही है, अजान हो रही है।
अच्छा जी, अब गौर से सुन लें आप लोग, एक और क्लास स्टार्ट होने वाली है F2 की, तो मैं जरा समराइज वे में अब जाऊंगा। सुने, ये सारे जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इनमें से ये FIA वालों ने तो नहीं पढ़े हुए, लेकिन जो ए लेवल्स वालों ने पढ़े हुए हैं तो वो ऊपर ऊपर से पढ़े हुए हैं। ए लेवल्स वाले ने ऊपर, यानी ए लेवल्स के जो कोर्स में, A2 के कोर्स में जो IAS आते भी है ना, तो बहुत कम एग्जामिन होते हैं, इसीलिए मैं खुद जानता हूँ। सारे टीचर्स खुद मुझे, मैं खुद ए लेवल्स के टीचर्स के साथ इन टच हूँ, तो कहते हैं कि हम लोग बहुत एक समराइज वे में पढ़ाते हैं, यहाँ इन डेप्थ है। जैसे यहाँ से सिर्फ IAS 37 2 से 3 क्लासेस में होता है, 38 2 से 3 क्लासेस में होता है, तो यहाँ बड़ा इन डेप्थ है, राइट? ओके, तो उससे उससे कंपेयर नहीं कीजिएगा, उनका लेवल वो आपका बेसिक लेवल था, राइट? फिर उसके बाद आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के, अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई ये सारी चीजें हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बोर्ड्स वगैरह कैसे बने, IAS कैसे बनता है, ये सारी चीजों की थ्योरी हमारे कोर्स का पार्ट है, ठीक है? अब कुछ शॉर्टकट बातें बता दूं, हमारा ये कोर्स जो है ना, इस कोर्स का ड्यूरेशन है ऑलमोस्ट 4 to 5 months है, 4 to 5 months है। ऑब्वियसली बात है, पूरी डिटेल से आपको सारी चीजें करानी है, तो इसमें 4 to 5 months का टाइम पीरियड लग जाता है, ठीक है? अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो हैं वो, एक तो मैं अपना नंबर भी आपको लिख के दे रहा हूँ, ताकि आप लोग के पास कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। 0300-255-744 हमारे जो अंसार भाई हैं, जो हमारे एडमिन वाले हैं, उनका नंबर भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आप, और हमारे हुसैन भाई भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनका नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देख लें, ये सारी आपके सामने डिटेल्स हैं, और मैं आपको टाइम टेबल भी एक नज़र बता दूँ। एक आपका वेंसडे होगा, एक होगा आपका फ्राइडे, और एक सैटरडे। यहाँ देखें, वेंसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। वेंसडे मेरी क्लास है, अल्लाह खुश रखे, 2 से 4 है, ठीक है? देन आपके पास फ्राइडे को है 4 to 6, फ्राइडे मेरी क्लास है आप लोग 4 to 6, और सैटरडे मेरी क्लास है 4 to 6, ठीक है? बेटा स्टिल वील प्रोवाइड यू मोर इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, तो अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं हुए हैं तो आप ऐड हो जाएं, ठीक है? अच्छा, मैं बुक से रिलेटेड गाइडेंस आपको फर्स्ट क्लास में ही दूंगा, फर्स्ट क्लास जो हमारी होगी ना, जब इसके अब अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी, यानी नेक्स्ट क्लास अब हमारी फ्राइडे है, नेक्स्ट क्लास हमारी फ्राइडे है, ठीक है? अच्छा देखें, दिस प्लेटफॉर्म इज वेरी कन्वीनियंट, आप अगर फिजिकल क्लास भी लेते हो तो उसमें आप टीचर की शक्ल देख रहे होते हो, वो आपको मेरी बिल्कुल फेस नजर आ रहा है, आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा होता है, इसमें ही व्हाइट बोर्ड है, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से। और हम ये ऑनलाइन अभी सिर्फ पेंडेमिक की वजह से नहीं पढ़ा रहे, हम लोग ये ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं पिछले 4-5 साल से, तो हमारे वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन बहुत जबरदस्त जा रहे हैं, और ये हमारा पुराना काम है, ठीक है? तो बाकायदा ऑनलाइन पढ़ के बच्चों की पोजीशन आई है, प्लीज बात को इस गौर से इस बात को सुने, और ऑनलाइन पढ़ने में ना आपकी कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लग रही है, ना ट्रांसपोर्ट का टाइम लग रहा है, तो आप ज्यादा पढ़ सकते हैं, ज्यादा पढ़ सकते हैं, इट्स वेरी कन्वीनियंट। बस पढ़ने की नीयत होनी चाहिए और दिल से पढ़े आप लोग, ठीक है?
हमारी तरफ से सारा सपोर्ट होगा। कभी अगर आपका कोई इंटरनेट कनेक्शन में कोई इशू आएगा तो हम क्लास के बाद आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड कर देते हैं, आप लोग मांग सकते हैं, वो ऐसा मसला नहीं। वी आर फ्लेक्सिबल, वी आर रेडी। ओके, हमारे रूटीन टेस्ट होंगे हर टॉपिक के बाद, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उसका टेस्ट होगा, पूरा टेस्टिंग डिपार्टमेंट है, तो आपके साथ फुल टाइम कोऑपरेशन होगी, राइट? ओके, ठीक है जी, तो ये नोट डाउन कर लें। तो मैं फिर क्लास ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि फिर आप लोग की F2 शुरू होगी और F2 का आपको लिंक उन्होंने सेंड कर दिया होगा। यस, F3 का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप हमारे नंबर्स पे मैसेज करें तो आपको ऐड कर देंगे बेटा। सही है, अंसार भाई के नंबर पे एक बच्चे ने सवाल किया, जिन्होंने भी ये पूछा है वो F3 के व्हाट्सएप ग्रुप पे अंसार भाई के थ्रू ऐड हो गया। मैंने अंसार भाई का नंबर लिख दिया, मेरा नंबर भी लिख दिया, अंसार भाई का भी लिख दिया बेटा, प्लीज आप कॉल कर सकते हैं। फीस से रिलेटेड भी आप अंसार भाई से ही कॉल करेंगे, जो फीस के बारे में पूछ रहे हैं वो अंसार भाई को बेटा कॉल कर लें। कोर्स कब तक एंड होगा? मैंने कहा ना 4 to 5 months का ये कोर्स है, 4 to 5 months, 4 months ऑलमोस्ट। ठीक है जी, चलें हम क्लास को यहाँ एंड कर रहे हैं ताकि आप लोग की फिर दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।